हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझे थे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने बताया था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसी को लेते हुए उस पर एक और क्वेश्चन बताएंगे। आज ये मैथ का आपका दूसरा दिन है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। हमको फाइंड करना है एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसका एच सी एफ फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसका सॉल्यूशन देखें, पहले इसको सक्सेसिव डिवीजन में हम दिखाएंगे। सक्सेसिव डिवीजन, तो सक्सेसिव डिवीजन में दिखाने के लिए 4052 जो इसमें स्मॉल नंबर, छोटा नंबर जो है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करोगे 12576। थ्री टाइम्स लें, 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 4 12। यहाँ आपका बच गया 0 2 4। यहाँ रिमाइंडर आपका है 420 रिमाइंडर है। अब इस 420 से यहाँ जो डिविडेंड है इसको डिवाइड करेंगे 4052। इसको डिवाइड करो 9 टाइम्स, 9 0 0, 9 2 18, कैरी 1, 9 4 36 प्लस 1 37, 272 रिमाइंडर हो गया 272। अब इस रिमाइंडर से फिर इस डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे। 420 को डिवाइड करो 1 टाइम्स, 272, 8 4 1। अब इस 148 से 272 को डिवाइड करो 1 टाइम, 8 8 12 2 1 4 1 5 2 7 और ये हो गया 1। फिर ये जो रिमाइंडर है 124 से डिवाइड करो आप 148 को, 1 टाइम्स गया 124, यहाँ रिमाइंडर हो गया 24। अब इस रिमाइंडर से इस डिविडेंड को डिवाइड करो 5 टाइम्स, रिमाइंडर 4। अब इस 4 से 24 को आप डिवाइड करोगे 6 टाइम्स और ये डिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। ये तो बाय सक्सेसिव डिवीजन था। अब इसको हम शो करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहले किसको डिवाइड किए, 12576 को किससे डिवाइड किया, 4052 से। क्वोशेंट क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 420, तो इसको ऐसे लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, इस 420 से 4052 को डिवाइड किया, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 एंड प्लस रिमाइंडर 272। फिर अगले स्टेप में क्या किए, इस 272 से 420 को डिवाइड किए, मीन्स 420 को आप लिखोगे 272 इंटू 1 प्लस
148। नेक्स्ट स्टेप में 148 से इस 272 को डिवाइड किया, मीन्स लिखेंगे 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। फिर अगले स्टेप में इस 124 से 148 को डिवाइड किया, इसको लिखोगे 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर अगले स्टेप में इस 24 से 124 को डिवाइड किया, 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। एंड एट लास्ट स्टेप में आपने इस 24 को 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो लास्ट डिविडेंड जो हमारा मेरा है वही हो जाएगा HCF। HCF आपका है 4 एंड दैट इज द आंसर। हमें लगता है कि यह समझ में आ गया है। फिर से इसको एक बार और रिपीट करें। क्वेश्चन हमारा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बाय यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड आउट HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ओके, अब ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड है। इसमें जो स्मॉलर नंबर है उससे ग्रेटर नंबर को मैंने डिवाइड किया, 4052 से 12576 को डिवाइड करोगे, 3 क्वोशेंट है, रिमाइंडर 420 है, इस रिमाइंडर को डिविडेंड मान लेंगे। और यहाँ जो डिविडेंड है इसको डिवाइजर डिविडेंड मानकर इससे इसको डिवाइड करो, 9 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा हो गया 272। अब इस 272 से यहाँ जो ये डिवाइजर है इसको एज ए डिविडेंड ले लिया, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर 148। फिर अगले स्टेप में इस रिमाइंडर को डिविडेंड मान लेंगे और यहाँ जो डिविडेंड है इसको डिवाइजर मीन्स 148 से आप 272 को डिवाइड करोगे, क्वोशेंट 1 एंड रिमाइंडर इज 124। ओके, नेक्स्ट, फिर वह इस 124 को आप डिविडेंड मान लो, डिवाइजर ऐसे हो गया आपका, डिवाइजर मान लो, डिविडेंड हो गया आपका 148, 1 टाइम्स, रिमाइंडर इज 24। फिर इस रिमाइंडर 24 से हम यहाँ जो डिविडेंड है इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइजर मान लिया, इसको डिविडेंड मान लिया, 5 टाइम्स गया, यहाँ रिमाइंडर आपको दिख रहा है 4। एंड एट लास्ट स्टेप इस 4 से इस 24 को डिवाइड किया, 6 टाइम्स चला गया, क्वोशेंट 6 एंड रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 4 इज द HCF। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर HCF इज 4। HCF इज, अब इसको यूक्लिड एल्गोरिदम पर रख रहे हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम में यह होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए बिहेव एज डिविडेंड, बी एज डिविडेंड, क्यू इज क्वोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो किया मैंने उसको यहाँ लिखा 12576 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 420। फिर इस 420 को डिविडेंड मान लेंगे, 4052 को इसको डिवाइजर मान लेंगे, 4052 को डिविडेंड मान लेंगे, 9 टाइम्स, 9 इज क्वोशेंट एंड 272 इज रिमाइंडर। फिर इस 272 को एज एम ए डिवाइजर लिया और 420 को डिविडेंड, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड, 1 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज 148। नेक्स्ट स्टेप I will divide 272 by 148, quotient is 1 and remainder is 124. And next step, 148 behaves as dividend and 124 is divisor, quotient is 1, remainder is 24. फिर अगले स्टेप में इस 24 से इस 124 को डिवाइड किया 5 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज 4। एट लास्ट स्टेप 4 सब डिवाइड करो 24 को, 4 6 24 एंड रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर टिल 0, जब तक 0 नहीं आता है रिमाइंडर तब तक ये सक्सेसिव डिवीजन होता है, और उसको यूक्लिड एल्गोरिदम पर दिखा दिया। एट लास्ट जो डिविजेंड हमारा आ रहा है वो 4 है, मीन्स 4 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 12576 एंड 4052।
So 4 is the HCF of these given two numbers. Okay? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक यू.